आज आपको दिखाएंगे अनिल कुंबले के वो 10 विकेट जब वो कहर बनकर टूटे थे पाकिस्तानी टीम पर, जब पूरी पाकिस्तानी टीम उनके गेंदबाजी के सामने ढेर हो गई थी। तारीख 4 फरवरी 1999, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मैच, सामने वाली टीम पाकिस्तान। इस टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेने का फैसला किया। शुरुआत शानदार रही, साधक ओपन रमेश ने 60 रन बनाए, वही कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 67 रनों की पारी खेली और पूरी भारतीय टीम 252 रन बना पाई पहली इनिंग्स में। जवाब में पाकिस्तानी टीम खेलने उतरी और 172 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। सदगोपन रमेश, सौरव गांगुली और ज्वागल शिरनाथ की 49 रनों की पारी के बलबूते टीम इंडिया 339 रन बनाने में सफल रही, यानी पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए 420 रनों का लक्ष्य मिला, जो एक तरह से नामुमकिन था। हालांकि शुरुआत तो शानदार रही, पाकिस्तान को उम्मीदें थी, लेकिन अब चलवा चला अनिल कुंबले का। जंबो नाम से मशहूर अनिल कुंबले की गेंदों का जवाब किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज के पास नहीं दिखाई दिया। शाहिद अफरीदी से विकेट गिरने का सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद वसीम अकरम पर जाकर खत्म हुआ। पाकिस्तान की ओर से पहला विकेट कुंबले ने शाहिद अफरीदी का लिया, जो 41 रन पर आउट। उसके बाद पहली गेंद पर एजाज अहमद को LBW कर दिया। स्पिनर्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करने वाले इंजमामुल हक भी अनिल कुंबले की गेंद नहीं समझ पाए और सीधा क्लीन पोल्ड हो गई, सिर्फ 6 रन पर। मोहम्मद यूसुफ तो खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर ही LBW हो गए। कुंबले की गेंद इतनी ज्यादा पैनी थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज कांपते नजर आ रहे थे। उसके बाद मोइन खान, फिर सलीम मलिक, देखते ही देखते मुश्ताक अहमद, सकलेन मुश्ताक, वकार यूनिस और बाद में वसीम अकरम, जो पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, वो 37 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 207 रनों पर ऑल आउट हो गई और अनिल कुंबले ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पूरी की पूरी पारी में 10 के 10 विकेट अपने नाम। उनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अनिल कुंबले के 10 विकेट आज भी रिकॉर्ड है और इसके बाद तो जंबो की गेंदबाजी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज पानी भरते नजर आए। आपको कुंबले के 10 विकेट कैसे लगे अपनी राय दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एडवांस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।